हम गधे हैं, पेड़ पौधे आ गया, इससे पता चलता है। क्या पता चलता है इससे? हम गधे हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू निष्ठा जोशी व्लॉग्स। और आपको आवाज मेरी कुछ सुनाई नहीं दे रही होगी, पता क्यों नहीं सुनाई दे रही होगी? ये आप देख लीजिए इस लड़की को, ये अभी छुप हुई है वरना बहुत रो रही थी, स्टार्ट कर चुकी है ये रोना। और ये लड़का, इसे तो चैन ही नहीं मिलता है, इसे चैन ही नहीं मिलता है इसे। इन्हें भूख लग रही है बेटा, इसलिए। गाइस क्या है ना, देखो अभी इन दोनों को लग रही है भूख। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और अभी फिलहाल ना क्या है कि इन दोनों को लग रही है बहुत तेज भूख। निष्ठा की मॉम गई है टॉफी बनाने, तो तब तक जब तक निष्ठा की मॉम इनका मिल्क नहीं ला रही ना, तब तक इन्हें जैसे ही मैं लेटा रहा हूँ रो रहे हैं। जैसे अभी इसको गोदी में पकड़ा तो ये चुप हो गया। अभी देखो इसको नीचे लेटाऊंगा ना टीचा, तो वो उसको उठाऊंगा तो वो चुप हो जाएगी, लेकिन ये रोने लगेगा। तो एक बारे में तो एक ही काम होगा ना। देखो अभी दिखाता हूँ गाइस मैं आपको भी। देखो अभी ये चुप है, मां से अभी ने लेटा दिया, अभी ने चुप करा दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नो 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 नो, ये देखो गियर चेंज हो गया। अब ये चुप हो गए हैं, वो रो रही है, मतलब ये चुप हो गई है वो रो रहा है। और गाइस आप सोच रहे होंगे आज जो मैं इतनी ढीली ढीली क्यों बोल रही हूँ, हाँ वो क्या है ना, कल ना मेरे ना पेट में बहुत तेज से दर्द हो गया था। हाँ मतलब मैं बीमार हो गई थी, लेकिन मैंने ना बताया नहीं किसी को। हाँ मतलब जब मुझसे रात को कंट्रोल नहीं हुआ ना, तब मैंने मम्मा को बताया ये हुआ था। और अब उसको उठाते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ भाई। पहले हम इसको दूध पिलाएंगे। ये लेटाते ही रो रहे हैं। चलो पहले बहन जी को मिलेगा, बहन जी को। और गाइस आपको तो पता ही है रात भर हम लोगों को जगना ही पड़ता है। अभी भी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी दोनों बाबू उठे पड़े हैं, रात भर भी ऐसे ही रहे, थोड़ी देर सोए, 2 घंटा सोते हैं। उसमें भी क्या होता है कि या तो दोनों एक साथ सो जाएं तो उसमें ये हो जाएगा कि हम लोग भी सो सकते हैं, लेकिन एक सोता है तो दूसरा जगह होता है, फिर दूसरा सोता है तो पहला जगह होता है, तो हमें हर टाइम किसी ना किसी का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो इस चक्कर में हम ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। बाकी ऐसी मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत सो गया था, निष्ठा की मॉम तो बिल्कुल नहीं सोई। मतलब सुबह ना मेरी ना आँख खुली थी, हाँ ये जो लड़की थी ना ये यहाँ पे लेटी हुई थी, मुझे लगा ये लड़का है। अच्छा हाँ, फिर मैंने कहा लड़की कहाँ पे है, फिर मुझे लगा झूले वूले में होगी, फिर मुझे लगा झूले वूले में होगी। हाँ फिर मैंने थोड़ा सा उठ के देखा तो फिर पता है ये कहाँ पे थी, मम्मा की गोदी में चिपकी पड़ी थी। ऐसी करके सुलाना पड़ता है बेटा। अब नहीं, अब आने लगी ना, देखो टुल हो गए, अब एक थोड़ा सा पिया है, अब इस बेनींद ऐसा आएगी जैसे पता नहीं, देखना थोड़ा सा दूध पीते बिल्कुल नींद आने लगी। इसको नींद आने लगती है, इसको नहीं, इसको आने लगती है दूध पीते ही। अब देखो गाइस अभी वो दूध पी लिया, वो शांत हो गई, इसको गोदी मिल गई, ये शांत हो गया। मुंह खोले पड़ा है, इसे क्या नींद क्यों आने लग गई? कान खुजाओ ना इसका। हम पागल हैं, हम गधे हैं, हम गधे हैं। पेड़ पौधे आ गया, इससे पता चलता है। क्या पता चलता है इससे? हम गधे हैं। अरे अभी तो आतंक मच रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सारे क्रांतिकारी यहीं आ गए हो।
सब हू करके चिल्ला रहे हो। अब दोनों शांत हो गए। ऐसी है गाइस, पूरा दिन भर यही लगा रहता है यहाँ तो। ये देखो अभी फिर शुरू हो रहा है गाइस। मैं इसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगी, कौन सी पता है? इसे ये अगर रोने लग जाए ना तो मैं इसे नहीं संभाल सकती। हाँ, क्योंकि ये ना बहुत रोता है ये। हाँ, और अगर ये रोने लग जाए ना तो मैं इसे संभाल सकती हूँ, क्योंकि ये बातें सुनती है, इसलिए। ये तो सुता भी नहीं है, इसे बस रोने से मतलब रहता है उस टाइम। तो गाइस अभी दोनों बेबी यहाँ पे सो रहे हैं, और हमारी जो दोनों बेबियों की बड़ी बहन है निष्ठा जी, उसके थोड़ा पेट में दर्द हो गया है, तो मैंने अभी सहला दिया था, तो उसको भी मैंने सुला दिया, वो भी सो गई है। और अभी फ़िलहाल के लिए निष्ठा की मम किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, आंटी से। तो अभी गाइस बस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, 9:15 होने वाला है टाइम। बाकी अभी दोनों सो रहे हैं बच्चे, तो हमने इसलिए अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उन्हें सोने देते हैं। बाकी यही है गाइस, अभी कल एक्चुअली हमें जाना है निष्ठा की दादी के घर पे, और हमें इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे करने वाला अभी कोई नहीं है। निष्ठा की नानी जा चुकी है अपने घर, और अब निष्ठा की मॉम, मैं तो ऑफिस चला जाऊँगा सुबह, तो निष्ठा की मॉम कैसे मैनेज करेगी पूरे दिन? निष्ठा को स्कूल भी भेजना है, खाना भी बनाना है, और आपका उसके बाद बच्चों को भी संभालना है। निष्ठा की मॉम को नहाना भी है, बस काम वाली तो आएगी अपना काम करने, बाकी चीज़ें तो खुद ही करनी है निष्ठा की मॉम को। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैनेज होगा सब कुछ, और रात भर निष्ठा की मॉम जगती भी है, तो सुबह दिन भर फिर कैसे काम चलेगा, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी फिर मम्मी पापा ने बोला कि इधर आ जाओ फिर, या तो मैं आ जाती हूँ नहीं तो तुम आ जाओ, तो हमें यही लगा कि हम ही चलते हैं कुछ दिन। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को कल जाना है निष्ठा की दादी के यहाँ पर, मम्मी पापा के यहाँ पर, और कल मम्मी पापा आ जाएंगे सुबह, फिर यहाँ से फिर हम सारा सामान जो भी है पैक करेंगे बच्चों के साथ, तो आप लोगों को पता ही है कितना सारा सामान हो जाता है, तो ये सारा सामान पैक करेंगे कल, और फिर हम लोग चलेंगे निष्ठा के दादू दादी के घर पे, और कुछ दिन वहीं रहेंगे, देखेंगे वहीं से मैनेज करेंगे, वहीं से मैं ऑफिस जाऊंगा। निष्ठा का स्कूल भी स्टार्ट है परसों से, तो देखते हैं उसको भी परसों से वहीं से स्कूल भेजेंगे, देखते हैं मैनेज करेंगे कुछ दिन।